भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ऑफिस में किया। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, कुलदीप पठानिया, प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा सहित हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला के सभी ब्लॉकों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने हमेशा से समाज में आपसी भाईचारे, शांति व सद्भावना को बढ़ाने पर बल दिया था और उन्हीं की याद में आज पूरे देश में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। जार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने देश की अखंडता व प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि आज के दिवस में राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो कि हम उनके बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। आज राजीव गांधी जी की 76वीं वर्षगांठ, जिसको कि पूरा भारतवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी भी इस जयंती को, राजीव गांधी जी की जयंती को, 76वीं जयंती को अपने तत्वावधान में हमीरपुर में मना रही है। राजीव गांधी वो शख्स थे, वो उस परिवार से आते थे जिस परिवार ने हिंदुस्तान की अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने आतंकवादियों से समझौता न करके अपनी जान गंवाई, उसके बाद राजीव गांधी भी उन आतंकवादियों की गोली का निशाना बने और उन्होंने उनसे अगर समझौता किया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। पर ये दोनों शख्स ऐसे थे जिन्होंने देश की प्रभुसत्ता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना उचित समझा, ना कि उन आतंकवादियों से समझौता करने की। यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम मना रही है और सभी पांचों ब्लॉकों में, आज हमीरपुर ब्लॉक का तो हमारे साथ ही कार्यक्रम है, इसके अलावा जो चार ब्लॉक बचते हैं उन चार ब्लॉकों में भी इस दिवस को मनाया जा रहा है। बटसर में इंद्रदत्त लखनपाल भी वहाँ अपने ब्लॉक की मीटिंग में हाजिर हैं। यहाँ सुजानपुर में श्री राजेंद्र सिंह राणा भी अपने ब्लॉक की मीटिंग में हाजिर हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को बड़े स्तर पर मनाने की जो कोशिश किया है वो की है और इसमें हम सफल भी हुए हैं।